एवरीवन वेलकम। तो आज का जो हमारा सेशन रहेगा वो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के एमसीक्यूज के ऊपर रहेगा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है, ठीक। सो इससे आपको जो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का जो टॉपिक है वो सारा रिवाइज हो जाएगा, ठीक। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, अपना स्कोर जो है वो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो क्वेश्चन नंबर वन, मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एक्सेप्ट। मोस्टली जो मेटल्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो हाई होता है, लेकिन आपने इनमें से बताना है किन कौन से ऐसे मेटल्स हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट जो है बहुत ही लो होता है। इज इट गैलियम सीजियम, इज इट पीबी लेड और पोटाशियम, इज इट एजी मर्क्यूरी और गैलियम, इज इट एजी सिल्वर और कॉपर। तो किसका मेल्टिंग पॉइंट जो है बहुत ही लो होता है। सो इसका जो राइट आंसर है वो ए है, ठीक। जो गैलियम और जो सीजियम होते हैं इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही लो होता है, ठीक। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर टू के ऊपर। सो क्वेश्चन नंबर टू, द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इन टू थिन वायर्स इज नाउन एज। जब मेटल्स को ड्रॉ किया जाता है थिन वायर्स में तो उस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है। इज इट डक्टिलिटी, मेलेबिलिटी, सोनोरोसिटी और कंडक्टिविटी। सो जब मेटल्स को ड्रॉ किया जाता है वायर्स में तो उसको बोला जाता है डक्टिलिटी। सो इसका जो राइट आंसर है वो ए है, ठीक। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर थ्री के ऊपर। सो क्वेश्चन नंबर थ्री, एल्यूमिनियम इज यूज फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। विच आर द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एल्यूमिनियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम। पर्टिकुलरली जो बर्तन बनाए जाते हैं वो एल्यूमिनियम के होते हैं, ठीक। वो क्यों बनाए जाते हैं वही बताना है आपने, क्या प्रॉपर्टी होती है उसमें। इज इट गुड थर्मल कंडक्टिविटी, गुड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, डक्टिलिटी या हाई मेल्टिंग पॉइंट। सो आपने ऑप्शंस में बताना है ए एंड बी, ए एंड सी, बी एंड सी या ए एंड डी। तो क्या कौन सा ऑप्शन आएगा इसका। सो जो एल्यूमिनियम होता है ये इसमें होती है गुड थर्मल कंडक्टिविटी और इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हाई होता है, ठीक। सो जो क्वेश्चन नंबर थ्री का आंसर है वो डी इसका आंसर है, ठीक। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर फोर के ऊपर। क्वेश्चन नंबर फोर, द कंपोजिशन ऑफ एक्वारीजा। एक्वारीजा की कंपोजिशन आपने बतानी है, क्या होती है एक्वारीजा की कंपोजिशन। इज इट डायल्यूट HCl और कंसनट्रेट, इज टू कंसनट्रेट HNO3 इन 3:1 रेशो, कंसनट्रेट HCl और डायल्यूट HNO3 इन 3:1 रेशो, कंसनट्रेटेड HCl और कंसनट्रेट HNO3 3:1 रेशो और डायल्यूट HCl और डायल्यूट HNO3 इन 3:1 रेशो। जो HCl है इट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 जो है ये नाइट्रिक एसिड है, ठीक। तो क्या कौन सा ऑप्शन इसमें आएगा। सो जो क्वेश्चन नंबर फोर का जो आंसर है दैट इज ए। जो एक्वारीजिया होता है इसमें जो कंपोजिशन होती है 3:1 रेशियो में होते हैं डाइल्यूट HCl और कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, ठीक। चलते हम क्वेश्चन नंबर फाइव के ऊपर। सो क्वेश्चन नंबर फाइव, गैल्वेनाइजेशन इज ए मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग और कोटिंग विद अ लेयर ऑफ। पर्टिकुलरली जो रस्ट से बचाने के लिए किस लेयर का यूज़ किया जाता है तो वो बताना है आपने, किसकी कोटिंग चढ़ाई जाती है। इज इट गैलियम, एल्यूमिनियम, जिंक और सिल्वर। तो किसकी कोटिंग होती है वो, तो वो होती है जिंक की, ठीक। सो इसका जो राइट आंसर है वो सी है, ठीक। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर सिक्स के ऊपर। सो स्टेनलेस स्टील इज वेरी यूजफुल मटेरियल फॉर आवर लाइफ। इन स्टेनलेस स्टील आयरन इज मिक्स्ड विद। स्टेनलेस स्टील जो है हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आपने बताना है स्टेनलेस स्टील जो होता है आयरन को किसके साथ मिक्स किया जाता है, ठीक। तो किसके साथ मिक्स किया जाता है, आयरन विद निकल एंड क्रोमियम। सो इसका जो राइट आंसर है वो ए है, ठीक। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेवन के ऊपर। सो क्वेश्चन नंबर सेवन, जनरली मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर। मेटल्स जो है किस फॉर्म में पर्टिकुलरली प्रेजेंट होते हैं, सॉलिड फॉर्म में। विच वन ऑफ द गिवन मेटल इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट। कौन सा ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। इज इट सोडियम, एफी आयरन, क्रोमियम और मर्क्यूरी। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो डी है, ठीक। क्वेश्चन नंबर एट, जनरली नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टरस। विच ऑफ द गिवन नॉन मेटल इज लस्टरस। पर्टिकुलरली जो नॉन मेटल्स होते हैं वो नॉन लस्टरस होते हैं, मतलब वो चमक नहीं देते। लेकिन इनमें से आपने बताना है
जो गिवन ऑप्शन है सल्फर, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इनमें से आपने बताना है कौन सा ऐसा नॉन मेटल है जो लश्यरस होता है। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो डी है, दैट इज आयोडीन। सो क्वेश्चन नंबर 9, इन एलॉय इज, एलॉय क्या होता है, वो एलिमेंट होता है, कंपाउंड होता है, होमोजेनस मिक्सचर होता है या हिटेरोजेनस मिक्सचर होता है। सो जो एलॉय होता है वो होता है होमोजेनस मिक्सचर। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो सी है, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, विच अमंग द गिवन एलॉय कंटेन मर्क्यूरी एज वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट। सो गिवन जो एलॉयज दिए हुए हैं स्टेनलेस स्टील, एल्निको सोल्डर या जिंक एमलगम, सो इसमें आपने बताना है किस में मर्क्यूरी प्रेजेंट होता है, किस एलॉय में, तो वो होता है जिंक एमलगम में, ठीक। जो एमलगम मोस्टली जो होता है उसमें मर्क्यूरी होता है, ठीक। एजी, ये किसका सिंबल है, मर्क्यूरी का है। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो डी, ठीक। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 के ऊपर। इलेक्ट्रिक वायर्स हैव कोटिंग ऑफ एन इंसुलेटिंग मटीरियल, द मटीरियल जनरली यूज इज सल्फर, ग्रेफाइट, पीवीसी, ऑल कैन बी यूज। पर्टिकुलरली जो हम गर्मी यूज़ करते हैं वायर, इलेक्ट्रिकल वायर, उसके बाहर जो होती है कोटिंग की होती है, इंसुलेटिंग कोटिंग की होती है, तो वो किसकी होती है, तो वो होती है पीवीसी की। पीवीसी की फुल फॉर्म है पॉली विनाइल क्लोराइड, ये आपने याद रख लेना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो सी था, ठीक। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। द सेकंड मोस्ट अबेंडेंट मेटल ऑन अर्थ क्रस्ट, सेकंड मोस्ट बताना है आपने कौन सा अबेंडेंट मेटल होता है, इज इट ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम या आयरन। सो कौन सा है, तो सेकंड मोस्ट अबेंडेंट मेटल ऑन अर्थ क्रस्ट, दैट इज सिलिकॉन। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो बी है, ठीक। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। द ब्रॉन्जी मेटल्स आर मेड अप, ब्रॉन्जी मेटल किसके बने होते हैं, कॉपर, जिंक, निकल, कॉपर, टिन, कॉपर, जिंक या टिन। तो ब्रॉन्जी में क्या होता है, इसमें होता है कॉपर एंड एसएन टिन, ठीक। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ए है, ठीक। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 के ऊपर। विच अमंग द फॉलोइंग एलॉय कंटेन नॉन मेटल एज वन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, जो गिवन एलॉयज दिए हुए हैं आपके पास, तो उसमें आपने बताना है किसमें, सॉरी, विच अमंग द गिवन एलॉयज कंटेन नॉन मेटल, किसमें नॉन मेटल प्रेजेंट होता है एज वन ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट, इज इट ब्रास, एमलगम, गन मेटल या स्टील। जो स्टील होता है इसमें प्रेजेंट होता है आयरन प्लस कार्बन, जो कार्बन होता है यह होता है नॉन मेटल, ठीक। सो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो डी है, ठीक। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। जनरली मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट, पर्टिकुलरली जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, लेकिन इसमें आपने एक्सेप्शन बतानी है कौन सा ऐसा मेटल है जो हार्ड नहीं होता, इज इट लिथियम, पोटाशियम, सोडियम, इज इट आयरन, पोटाशियम, इज इट क्रोमियम, सीजियम, इज इट एच जी, मर्क्यूरी और लेड। तो कौन सा है इसका राइट आंसर है, सो इसका जो राइट आंसर है वो ए है। जनरली जो मेटल्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, लेकिन एक्सेप्शन आपने याद रखनी लिथियम, पोटाशियम और सोडियम की, ठीक। होप यू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द रेगुलर अपडेट्स। होप कि आज का जो सेशन रहा होगा MCQs के ऊपर, ये आपके लिए बड़ा बेनिफिशियल रहा होगा। सो जितने भी हमने MCQs किए होंगे, तो उससे आपका जो टॉपिक है मेटल्स और नॉन मेटल्स का, वो आपको रिवाइज हो गया होगा, ठीक। तो थैंक यू।